नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ हरी मिर्ची की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि आपका पेट भरा हुआ होगा तो भी आप दो रोटी और खा लोगे। इस रेसिपी का नाम है मिर्ची की तरी। सबसे पहले पांच बड़ी वाली हरी मिर्ची लेंगे जिसे मैंने पहले से ही धो लिया है। अब इसको इस तरह मोटा मोटा कटिंग करेंगे। सारी मिर्ची मैंने कटिंग कर ली है। अब इसको रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी करते हैं। अब 2 चम्मच रोस्टेड पीनट्स, 2 चम्मच रोस्टेड सफ़ेद तिल और 2 चम्मच नारियल का चूरा को मिक्सी में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट बन चुका है। अब बनाते हैं तरी। अब गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, 1/2 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/2 चम्मच लहसुन का पेस्ट, थोड़ी सी हरी मिर्ची का पेस्ट और 2 कप चॉप किया हुआ स्प्रिंग अनियन डालकर इन्हें सोते करेंगे। मैं स्प्रिंग अनियन डाल रही हूँ, आप चाहो तो नॉर्मल प्याज भी डाल सकते हो। दो मिनट सोते होने के बाद इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ पेस्ट और उसी पॉट में थोड़ा सा पानी डालकर इसमें मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा गरम मसाला डालकर मिक्स करेंगे। अब डालते हैं कटिंग की हुई हरी मिर्ची। थोड़ा सा पानी और 1/2 कप दही डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर दही वाले कप से थोड़ा सा पानी और 1 चम्मच इमली का पेस्ट डालकर लीड लगाकर 5 मिनट तक पकने देंगे। लगभग 5 मिनट पकने के बाद तरी साइड से तेल छोड़ चुकी है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे करते हैं सर्व। मिर्ची की तरी खाने को तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हो। तो आप भी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।